अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अल्फा 4K। तो गाइस क्या हाल चाल है यार। आज मैं अपने गेम प्ले के साथ आया हूँ आपके पास, बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने कहा था भाई अपने गेम प्ले डाला करो। तो अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर अपने गेम प्ले डालूंगा, यानी रेगुलर नहीं, हफ्ते में कोई एक आधा तो डाल ही दिया करूँगा। बस यार बिज़ी होता हूँ तो कंप्लीट बना नहीं सकता डेली के डेली, तो बस जब बनेंगे तब मैं अपलोड कर दिया करूँगा। इंशाल्लाह ट्राई करूँगा वीक में 1 से 2 वीडियोज़ आ जाएँ। तो भाई आज हम उतर चुके हैं पोचिंकी के अंदर, और यहाँ पे भाई हम बंदों की तलाश में हैं कि भाई कहीं ना कहीं बंदा मिल जाए। आवाज़ आ रही थी गोलियों की लेकिन बंदे नज़र नहीं आ रहे थे, तो लूट भी हमारी इतनी Look at हैवी this नहीं थी, बस dude. गुजारे लाइक थी। और भाई यहाँ पे देखो ये भाई साहब तो ऐसे खड़े हुए थे जैसे पता नहीं यहाँ पे शोरूम है, यहाँ पे शो दिखाने आए हैं। ये देखो मेरे कपड़े कैसे हैं, ये देखो भाई यहाँ पे पबजी है, पबजी खेलो क्या बैठे हुए है। अलग है, इसके पास बेचारे के पास एक गेम थी और बेचारे का एम ही इतना अच्छा था कि मुझे एक गोली भी हिट नहीं की। तो भाई यहाँ पे इस बंदे को लूट छूट करके हमें एक गेम मिल चुकी थी, और एक गेम मीन के बस तबाही तबाही। तो भाई हमने यहाँ पे तबाहियाँ मचा दी अपनी फुल धूम धमाम से। और यहाँ पे भाई हम बंदों की तलाश में फिर के हमें बस किल ही चाहिए, और किल ही चाहिए, किल मिल जाए मिल जाए। लेकिन भाई कोई बंदा मिल ही नहीं रहा था किल देने के लिए, तो बस तलाश ही कर रहे थे कहीं ना कहीं से बंदा मिल जाए, और साथ साथ लूट भी कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे देखना ज़रा, बहुत अच्छे सीन इस वीडियो में वैसे सही अच्छे सीन आए हैं। तो हाँ मुझे बताना भी कि ऐसी वीडियोस अगर फनी सीन्स बीच में ले आऊँ। यहाँ पे देखना है, अब किसी और को मार रहे थे लेकिन उन्हें तो इन्हें मार दिया, लेकिन ये अब तो नहीं बच सकते। इन्हें थोड़ा सा हिट दिया था मैंने, और भाई जैसे ही बाहर निकले भाई साहब नोक, लेकिन मैं भी जा नहीं रहा था बिकॉज मुझे पता था वहाँ पे इसका दूसरा पार्टनर भी है। एम बहुत गंदा हुआ मेरा, लेकिन फिर भी भाई को मैंने मार ही दिया। बस एक एम का ये बेनिफिट है कि काफ़ी अच्छा, यानी कि हेल्थ काफ़ी ले जाती है। स्प्रे इसका इतनी स्पीड से नहीं निकलता लेकिन हेल्थ काफ़ी ले जाती है। तो भाई यहाँ से लूट छूट की मैंने और अपने गुजारे लायक चीज़ें रखी, और फिर आगे निकला लोगों को मारने के लिए। और भाई यहाँ पे मैंने 2-3 बंदों को देखा। यहाँ पे एक भाई साहब लेफ्ट साइड पे थे और एक थे राइट साइड पे, यानी मेरे सामने थे। तो भाई पहले तो मैं वेट करता रहा कि ये दोनों लड़ाई करें और एक बंदे को टारगेट दूँ, लेकिन दूसरे को मैं पूरा कोशिश की, लेकिन भाई ये वॉल साहब ने हमारी, यानी कि जो वॉल है पबजी की, इसने हमारी हिट सारी रोक ली, और भाई को हमने नॉक कर ही दिया किसी ना किसी तरह। और फिर भाई मुझे नज़र आया वहीं पे इसका दूसरा दूसरा बंदा, पता नहीं इसका पार्टनर है कौन, लेकिन मैंने उसे फुल हिट करने की कोशिश की, लेकिन फिर हमारे पबजी की वॉल्स ने हमारा काम ख़राब कर दिया। यहाँ पे पहले मुझे देख रहा था कि शायद मार दूँ, लेकिन भाई साहब ने नहीं, भाई साहब उल्टा मुझे मारने लग पड़े। लेकिन अब तो इसे रगड़ना ही था हर हालत में, मैंने बस फुल कोशिश की थी यार। लेकिन यहाँ पे सीन देखना, आप सीन देखना बस। यहाँ पे जितने भी ग्रेनेड पता नहीं क्यों, हालांकि पास करता लेकिन ग्रेनेड फिर नहीं जा सका। और भाई मुझे बताना यार, ये जो बीच में मैं फनी लगाता हूँ इमोजी या इमोट वगैरह, तो वो आपको कैसे लगते हैं, सही लगते हैं? और ज़्यादा मेरा बोलना आपको बुरा तो नहीं लगता, मुझे कमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में मैं सेट कर लूँ। इस भाई ने बहुत तंग किया यार, बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन फिर भी भाई हम इसे कहाँ छोड़ने वाले थे, इसे तो मार के ही छोड़ना था। और इसके साथ साथ हमें एक और इसका भाई मिल गया बेनिफिट नहीं मिल गया थोड़ा सा हमें, एक के साथ एक फ्री, चेक करना। उस बेचारे को रिवाइव नहीं किसी ने दिया जो पहले वाला था, और वो बेचारा मार गया, और ये इसका दूसरा था शायद, अब चेक करना सीन। यहाँ पर ये भाई साहब तो सच्ची ऐसे हमारे ऊपर आए थे जैसे आसमान से ना बंदा गिरा होता है, बात सुनी है ना,
आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये चेक करना था। बिल्कुल मुंह पे अचानक ही आ गया था, मुझे पता चल गया था कि ये सामने घर में है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेनेड खींचा के चलो ग्रेनेड से उड़ा देंगे। लेकिन नहीं भाई, ग्रेनेड से कहाँ कहाँ आता है, ग्रेनेड से नहीं मरा। और भाई यहाँ पे देखना यार, बिल्कुल मुंह पे आ गए। और भाई साहब मेरी हेल्थ चेक करो, बाकी सब छोड़ो मेरी हेल्थ चेक करो, बिल्कुल 0 HP यार। पता नहीं कैसे बच गया मैं। और यहाँ पे भाई मैंने सबसे पहले सारे काम छोड़ के अपनी हेल्थ को रिकवर की, वो पता नहीं क्या हाल पे बेचारा से कह रहा था, बचा ले बचा ले बचा ले, लेकिन नहीं, हम कहाँ बचाने देते हैं बेचारों को। और भाई साहब यहाँ पे भाई दोनों को हमने उड़ा दिया। यहाँ पे जब मैं बाहर निकला था, मैं एक बोट आता हुआ नजर आया, और हमने अपना भाई फ्री का किल कहाँ छोड़ना था भाई साहब के, हमने उड़ा दिया। और यहाँ पे वापस गए, थोड़ी सी लूट शूट करनी थी भाई। लोग वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एडिटिंग में टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो यार जिसको थोड़ा सा भी पसंद आ जाए ना यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो, और साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर दिया करो, ताकि आगे वीडियो जो होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियोस का। और यहाँ पे भाई सामने मुझे नज़र आ गया ड्रॉप, और यहाँ पे भाई हम चलेंगे ड्रॉप हंट करने। चलो भाई, ड्रॉप से कुछ चीज़ें मिलेंगी, पहले ही अच्छे किल्स हो गए हैं, बस गुजारे लाइक हो गए हैं, अच्छे नहीं कह सकते, तो चलते हैं। मैं अभी भाई इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं कि भाई हम वीडियो ये नहीं है, अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई मैं अभी इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं हूँ। मेरी एवरेज किल की सिर्फ एवरेज मेरी तकरीबन 10 से 15 होते हैं किल, एवरेज होती है ये, ना इससे कम तकरीबन होते हैं ना इससे ज़्यादा। तो ट्राई कर रहा हूँ अभी अपनी गेम को अच्छी करने के लिए, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करते हैं भाई हम। तो भाई यहाँ पे मैं अपना लूट कर ही रहा था कि मुझे पीछे से हल्की सी आवाज़ आ गई गाड़ी की, ये चेक करना भी, मुझे गाड़ी की आवाज़ आई और वहाँ से गाड़ी आई। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उस भाई साहब ने तो भाई मुझे बहुत अच्छे से देखा हुआ था, और भाई साहब वो मुझसे फायरिंग करने लग पड़ा। मुझे पता था भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन उतनी देर में वो भाई गाड़ी लेके दूसरी साइड पे आ गया, बिल्कुल यार बिल्कुल मेरे सामने। मैं भाई उसकी गाड़ी का बिल्कुल हेल्थ गाड़ी का कबाड़ा कर दिया था मैंने बिल्कुल, यानी कि एक स्प्रे से गाड़ी गायब सी थी। लेकिन भाई ने बहुत गंदा मुझे भी मारा यार, बहुत गंदा। लेकिन मैं भी बस आंखें बंद करके हिट करता रहा, थोड़ी सी से हीट बजी थी। उसके बाद भाई मैं बहुत ट्राई किया उसे ढूंढने का, लेकिन पता नहीं कहाँ पे वो गायब ही हो गया। और यहाँ पे देखना यार, No, God, please, no, no, no! नहीं भाई, ये देख किसे रहा था, ये देख किसे रहा था, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही मैं बेचारा किसे देख रहा। उस उतनी देर में मुझे यहाँ से फुटस्टेप आ गए, और थोड़ा सा मैं ज़रा चेक करने लगा था ये कहाँ पे बंदा है, और मैंने ग्रेनेड वाला एक मिशन करना था, तो बस चेक करना। अब भाई यहाँ पे तो मेरी बिल्कुल जान हलक में आ गई थी, ये चेक करना यार, बिल्कुल आधे सेकंड से बचाऊँ मैं, ये देखो यहाँ पे भाई बहुत गंदा बचाऊँ मैं, बहुत गंदा। और यहाँ से भाई लूट शूट करके मैं वापस घर पे आया, तो यहाँ पे मुझे बंदे नज़र आए। यहाँ पे मेरी एम की माँ बहन एक हो गई थी यार, एम को पता नहीं क्या हुआ भाई साहब। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिट दिया, और यहाँ पे भाई मैं बिल्कुल मार सकता था, लेकिन एम को पता नहीं क्या यार, बिल्कुल यार बकवास हो गया था। लेकिन फिर भी हमने किसी ना किसी तरह मर मरा के उसे नॉक कर ही दिया। और यहाँ पे भाई इसका पार्टनर सर्वाइव देने आ रहा था, और यहाँ पे देखना के पार्टनर को अच्छे बड़े हिट किए थे, और भाई बिल्कुल एंड बुलेट पे जाके मरा। हल्का सा यानी कि थोड़ा सा पिंक का इशू होता तो मैं गया था।
तो भाई यहाँ पे मैं इसके ग्ली सूट लेना चाहता था। जब ग्ली सूट देखा तो भाई के पास होम थी, तो मैं डायरेक्ट चला गया अंदर, बिकॉज मुझे पता था यहाँ पे मैंने बहुत फायरिंग की, कोई ना कोई आएगा। और वही हुआ, हमारे भाई बोट साहब थे वो आ चुके थे, तो इनको थोड़ा सा लूट शूट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अच्छी बोली लूट शूट कर कर के थोड़ा सा ओम शोम सेट शूट कर कर के भी वापस ही गया था। तो भाई यहाँ पे हमें एक और बंदा नज़र आ गया, चेक करना ज़रा। ये भाई राइट साइड से आए, मुझे तभी नज़र आ गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा वेट कर रहा था। और भाई को मैंने फुल स्प्रे से नॉक कर दिया, उसके बाद फुल किल करने का फुल कोशिश की किल हो जाए, लेकिन भाई साहब पता नहीं कैसे गाड़ी के पीछे चले गए और बच गया। लेकिन भाई मैंने इसकी जान कहाँ छोड़नी थी, किल करके छोड़ना था। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे इसको फुल ख़त्म कर दिया, और जब मैं वापस जा रहा था तो मुझे पीछे से हिट शुरू हो गई। और भाई मेरे पास चल गया कि यहाँ पे काम ख़राब है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे चला गया देखने के लिए कि आखिर वो बंदा कहाँ है, लेकिन भाई साहब मुझे वो बंदा नहीं नज़र आया, पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ था। बहुत ट्राई की कि वो बंदा नज़र आ जाए, लेकिन भाई साहब पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझे नज़र ही नहीं आया। यहाँ पे भाई मैंने उसको छोड़ दिया, भाई पता नहीं कहाँ पे चला गया। यहाँ पे जो हुआ है ना यार, कसम से बहुत गंदा हुआ है, चेक करना यार। यार मुझे बताना वैसे ये क्या था, मुझे समझ नहीं आई वो। अब यहाँ पे मैं एक बंदा था ड्रॉप के पास, तो मैंने उसे देखा और स्प्रे दिया, लेकिन वो बच गया। तो थोड़ा सा मैं पीछे हुआ, मुझे नहीं पता था अभी तीन तीन अलाइव है, मुझे लगा शायद अभी बंदे होंगे ज़्यादा, मैंने वहाँ पर किल फील्ड में देखा नहीं। यहाँ भाई को थोड़ा सा हिट दिया, फिर मैं थोड़ा सा पीछे गया ताकि ओम से उसे हिट दे सकूं। और यहाँ पे मैं पीक की और स्कोप चेंज करके उस भाई को एक हिट दिया, ये देखो हेड का हिट दिया है, ठीक है। और अब टाइम चेक करना है यार, तकरीबन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, इतने टाइम में आपकी फुल हेल्थ फुल किट लग ही नहीं सकती, और वो भी बूस्टेड। चेक करना यार, ये मैं गया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया और भाई साहब ने उड़ा दिया। और यहाँ पे यार इसे मैंने ना चेक करना यार, यहाँ पे मैंने भाई को स्पेक्टेट किया और इसकी हेल्थ चेक करना, फुल हेल्थ और बिल्कुल बूस्टेड है भाई, बल्कि साथ बूस्टेड है, चेक करो, साथ बूस्टेड भी है और हेल्थ भी फुल है। यार बहुत गुस्सा चढ़ा, कसम से बहुत गुस्सा चढ़ा। फिर मैंने भाई को, मुझे शक पड़ा कि भाई हैकर है, लेकिन लगा नहीं। चेक करो ज़रा गेम प्ले, चेक करो मुझे। अब अगर आपको लगे कि ये हैकर है तो मुझे हैशटैग यस करके नीचे कमेंट में बताना, और अगर आपको लगे कि हैकर नहीं है तो हैशटैग नो कमेंट करना। और जिसको गेम प्ले अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट करना ना भूलना, मुझे बताना कि भाई ऐसी वीडियोज आके लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ।
we are.